गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वाले क्यू एन ए को इतना सारा प्यार मिला, मैं सच बताऊं लास्ट वाले क्यू एन ए पे अगर मेरे जो कॉमेंट्स हैं, बात करते हैं कॉमेंट्स की, तो अगर मेरे कॉमेंट्स 500 होंगे तो 500 में से 500 कॉमेंट्स अच्छे हैं, एक भी कॉमेंट खराब नहीं है। मतलब नेगेटिविटी का तो एन भी नहीं है, 500 कॉमेंट है ही नहीं, 1000 कॉमेंट्स हैं इस वीडियो पे, 1000 कॉमेंट्स हैं और सारे के सारे कॉमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोगों को इतनी अच्छी लगी मेरी बातें। जो भी था मैंने दिल से बोला, मैंने कुछ भी बनावटी नहीं बोला कि यार किसी को बुरा लगेगा किसी को अच्छा लगेगा, नहीं, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने सिर्फ आप लोगों से डायरेक्ट बात की है, हार्ट टू हार्ट, जो मेरे मतलब जो मैं फील करती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैंने बताया। गाइस तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मामा अर्थ की कुछ न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स दिखा देती हूँ। आपको पता है मुझे लिपस्टिक लगाना कितना अच्छा लगता है, और क्या हो रहा है यार आजकल मैं जो भी लिपस्टिक लगाती हूँ ना मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मुझे एक ऐसी लिपस्टिक चाहिए थी जो कि मेरे लिप्स पे ना मॉइस्चर को लॉक करके रखे, और अभी जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे जो लिप्स है ना वो अच्छे से नरिश है, बिल्कुल भी ऐसे ड्राई से नहीं हो रहे हैं। तो मामा अर्थ ने लॉन्च किए हैं अभी अपनी कुछ लिपस्टिक्स जो कि जिनका नाम ही है मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, मतलब इसमें मॉइस्चर भी है, लॉन्ग स्टे भी करेगी और बढ़िया लिपस्टिक है। सो ये जो लिपस्टिक है इसमें एवोकाडो ऑयल है, विटामिन ई है जो कि आपके लिप्स को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा ये 8 घंटे तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करेगी, 12 घंटे तक स्टे करेगी और सेफ है, ठीक है। तो इसमें जितने भी शेड है सारे इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं, मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, ऑल्सो दे आर सर्टिफाइड फ्रॉम पीटा एज क्रुएल्टी फ्री। इसके अलावा मामा अर्थ के स्टोर ना आपके नियर बाई बहुत सारे सिटीज में लॉन्च हो चुके हैं, सो आप जाइएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप उनके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको अर्ली एसेस मिल जाएगा, कोई भी डिस्काउंट कूपन या बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा होगा। तो जब भी आप कोई अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस वेबसाइट पे जहां पर वो 3 प्लांट कर रहे हैं, इससे आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ जो मेरा फेवरेट शेड है, मैंने लगाया है, मैं थोड़ा सा ओवर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इतना प्यारा शेड है ये पीच न्यूड वाला, इतना प्यारा शेड है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे इनके सारे शेड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, आपकी स्किन के हिसाब से इसमें सारे शेड आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक और शेड लगा के दिखाती हूँ, ये है 15 ग्रेप फ्रूट पिंक। वैसे तो मुझे ये रेड लग रहा है लेकिन हाँ ये पिंक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माई गॉड लुक एट दिस, इतना प्यारा शेड है ये ग्रेप फ्रूट पिंक है और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा शेड है 08 पिंक ट्यूलिप। लेट्स सी ये कैसा है। ओ ये थोड़ा सा मूव कलर है, बहुत ही प्यारा शेड लग रहा है ये भी। हमारे पास रेड, मेलन रेड, मुझे पता था रेड लिपस्टिक के बिना तो वैसे भी ना आपकी जो क्या बोलते हैं, रेड लिपस्टिक के बिना वैसे भी सब कुछ अधूरा है। तो पीच न्यूड हम लगा चुके हैं, लास्ट शेड जो हमारे पास है वो है 01 कार्नेशन न्यूड। मुझे न्यूड कलर्स इनके बहुत अच्छे लगते हैं एंड स्पेशली ये कार्नेशन न्यूड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा शेड है, बहुत ही ज्यादा कलर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप मामा अर्थ के ऐप से कुछ भी परचेस करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोई फायदा नहीं है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, सो जाइए और चेकआउट करिए, तो फटाफट से जाइए चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप कि वो चीजें आप लोग समझ, एक्चुअली आप लोग समझ ही गए, मुझे होप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जब आपके 1000 कमेंट हैं और 1000 के 1000 कमेंट आपके अच्छे हैं, इसका मतलब कि लोग समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं और जिनको शायद जो भी लगा हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके सो बढ़ते हैं आज के क्यू एन ए की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास कि आपकी शादी किस एज में हुई थी। तो मेरी जो शादी थी वो हुई थी 23 में, ठीक है, जब मैं 23 की थी तब मेरी शादी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
बेबी प्लान करिए एज अ मदर, हम आपकी जर्नी देखना चाहते हैं। तो मैं खुद आपको एज अ मदर अपनी जर्नी दिखाना चाहती हूँ, मैं खुद वो चीज़ फील करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो जो जर्नी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ पूरी होती है। सो देखते हैं कब सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरे पास कि दीदी आप के ससुर जी को क्या हुआ था, प्लीज़ बताइए। ठीक है, पापा के लिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा, कम से कम 50 लोगों ने तो पूछा ही है, 100 लोगों ने कि क्या हुआ था पापा को। तो पापा की ऐसी कोई तबीयत नहीं ख़राब थी, लेकिन देखो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कभी जिसका लेवल बढ़ने से चीज़ें दिक्कत करती हैं, जिसका लेवल कम होने से चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिनका लेवल ही थोड़ा सा दिक्कत कर गया था, कोई चीज़ बढ़ गई थी, कोई चीज़ कम हो गई थी, तो वो सडन ही था। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसलिए मैंने ज़्यादा इन चीज़ों को ना खींचा नहीं, बिकॉज मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा होता है जब आप अपने बहुत ही ज़्यादा लव्ड वंस को, बहुत ही ज़्यादा जो आपके क्लोज हैं उनको जब आप खो देते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बार बार डिस्कस करना चाहते हो। ऑब्वियसली आप बार बार जब भी आप किसी बारे में बात करते हो ना, तो आप उस फेज़ में चले जाते हो, और हम नहीं चाहते कि बार बार उस चीज़ को सोचें, क्योंकि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा उनका सब कुछ रहा है, जो अभी तक का उनका लाइफस्टाइल था। तो बस कुछ चीज़ें कई बार हो जाती हैं, सडन जो होती हैं वही वाली चीज़ें थी। सो आई जस्ट होप कि आप इसके बाद आप लोग इस बारे में सवाल नहीं करेंगे, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से आपको बता सकूँ, एक्चुअली आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। रैपिड फायर जागृति ने पूछा, क्या बात है, मोमोज और गोलगप्पे, मोमोज, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चाइनीज और इटालियन चाइनीज, बीच और माउंटेन, ऑब्वियसली माउंटेन, बिकॉज बीच तो मैंने कभी देखा नहीं है। नेक्स्ट है कि हाउ यू थिंक टू स्टार्ट यूट्यूब जर्नी, हाउ यू मेक दिस जर्नी फेमस। पहली बात तो मैंने इस जर्नी के बारे में नहीं सोचा, मैं हमेशा क्रेडिट दूंगी अपनी ऑडियंस को, जो कि मुझे टिकटॉक पे फॉलो करती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ। मेरे इंस्टाग्राम पे लोगों ने बोला मुझे यूट्यूब चैनल बनाओ, तो मैंने बनाया। और मैं सच बताऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लोग पसंद करेंगे, या इतने लोग मुझे जानेंगे, या इतने लोगों को मेरी कोई चीज़ इतनी अच्छी लगेगी। मैं सच में बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो मुझे ये चीज़ महसूस होता है कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, और हमेशा आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। बस जैसे अपनी जर्नी चल रही है, ऐसे धीरे धीरे चलती रहे। ऐसा फेमस होने के लिए कुछ कोई चीज़ मैंने ऐसी की नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि मैं आपको बताऊं कि मैंने ये किया या ऐसा किया तो उससे मैं फेमस हो गई, नहीं। मैंने बस हर दिन मेहनत की है, मुझे इतना पता है, मैंने हर दिन मेहनत की है, 365 दिन मैंने मेहनत की है। और सच बताऊं, मैं ये नहीं कहूंगी ये मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, ऑब्वियसली अपने लिए करती हूँ। मैं आपको सच बताऊं, ये लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो नहीं, मैं आपके लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि मैं ये काम करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे खुश देखकर आपको खुशी मिलती है। ये वाली चीज़ हो गई, कुछ लोगों को नहीं भी मिलती होगी, लेकिन ऐसा होता है। मतलब मैं सच बताऊं, अल्टीमेटली हर चीज़ के पीछे जो मोटिव होता है वो होता है पैसा। ऑब्वियसली सबको पैसा कमाना है, तो हम जब मेहनत करते हैं तो हमारा भी जो मोटिवेशन की ना, बहुत सारी आपके पास एक सर्कल होता है कि किस वजह से आप ये काम करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं थकी भी हूँ तो मुझे लगेगा नहीं यार मुझे ये करना है, या किसी को लगता है कि मुझे EMI देनी है तो नहीं मुझे और वीडियोस बनाने हैं, किसी को लगेगा मुझे घर खरीदना है इसलिए मुझे और वीडियोस बनाने हैं। हाँ, इसीलिए लोग करते हैं। आप कितना अर्न करते हो यूट्यूब से, इसका ना काफ़ी घुमा फिरा के लोगों ने सवाल पूछा, ये सवाल पूछा। तो मैं, आपको पता है कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, एवरेज व्यूज़ भी कभी कभी नहीं रहते हैं, बहुत ही कम व्यूज़ रहते हैं। तो जो पैसे होते हैं वो व्यूज़ के हिसाब से मिलते हैं, और ये चीज़ मैंने ही चूज़ की है। आई मीन ऑब्वियसली ये मैंने ही चूज़ किया है कि मुझे ज़्यादा चीज़ें पर्सनल शेयर नहीं करनी। पर्सनल चीज़ें शेयर करूँगी तो शायद मैं महीने का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कमा सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें शेयर करती हूँ, और उस हिसाब से लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो बाकी चीज़ें देखें रदर देन आपके डेली व्लॉग्स। तो इसलिए मेरी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि मेरी जो इनकम है वो 1,000 में है, लैक्स में नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर नहीं, लगभग सारे यूट्यूबर्स की लैक्स में होंगी जो व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन मेरी 1,000 में है एंड मैं उस चीज़ से खुश हूँ। किसी ने लिखा है कि आपके जैसा यूट्यूब पर मैंने कोई भी यूट्यूबर नहीं देखा जिसने नेगेटिविटी नहीं डाली है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सच बताऊँ, कभी कभी जब मैं फील करती हूँ ना, तो मैं यही फील करती हूँ कि मैंने लोग कमाए हैं, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि लोग मुझे इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ, वो चीज़ दिखा रही हूँ। लोग मुझे इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको एज अ पर्सन मैं अच्छी लगती हूँ, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और रही बात नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, तो यार ये ना, मतलब
हो जाता है, कोई जानबूझ के नेगेटिविटी नहीं फैलाता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझ के आपसे शेयर करते हो और फिर वो नेगेटिव वे में चला जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी यूट्यूबर बहुत नेगेटिविटी फैलाता है या कोई पॉजिटिविटी फैलाता है, नहीं। ये बस चीज़ों का ना कई बार क्या होता है आउटकम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कई बार हम हमारे बस में नहीं होता, कई बार हम बोलने से पहले नहीं सोचते और बोलने के बाद ऐसा लगता है कि उसका रिस्पॉन्स अजीब सा आ गया, तो वो वाली चीज़ होती है। समथिंग अबाउट शिक्षा बिकॉज शी इज़ वेरी क्यूट। ओके, सो शिक्षा जो है वो बीएससी नर्सिंग कर रही है, उसका लास्ट ईयर है और मुझसे काफ़ी छोटी है शिक्षा। बस और क्या, अभी तो बस पढ़ाई कर रही है, साथ में वो इंटर्नशिप भी कर रही है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है, आप घुसननाथ धाम क्यों जाते हो? दर्शन के लिए कोई रिलेटिव है? मेरी दादी का घर है यार वहाँ, मेरी दादी मतलब मेरा सब कुछ वहीं पर है, मुझे बहुत लगाव है उस जगह से, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जाती हूँ। आप योगा वीडियो क्यों नहीं डालती हो? आपकी बॉडी नेचुरली ऐसी ही, आप डेली योग करते हो, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। योगा वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आता, और बाकी मैं बना के रखती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ डालना भी। ओ मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, मैंने अभी ध्यान दिया। बॉडी नेचुरली ऐसी है? तो यार मेरी बॉडी नेचुरली ऐसी नहीं है, मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ, शुगर थोड़ा कम लेती हूँ, कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, बाकी मैं बाहर का तो मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा लिमिटेड रखूँ सारी चीज़ें, थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है बस, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करती मैं। नेक्स्ट है, आप कभी घूमने क्यों नहीं जाते और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मैं यार घूमने जाती हूँ, मैं बहुत घूमने जाती हूँ, बस ये है कि देखो जो थोड़े बिजनेसमैन होते हैं ना उनको, उनके पास थोड़ा कम समय होता है। जॉब वाले क्या है कि वो जैसे मान लो एक हफ्ते की लीव ले लिए तो एक हफ्ते वो फ्री है। बिजनेसमैन क्या है, अगर एक हफ्ते की लीव लेके गए भी हम किसी ट्रिप पे तो वो परमानेंट आपको फोन पे ही दिखेंगे, तो इससे अच्छा है घर में ही घूमते रहो। बाकी हम बहुत घूमते हैं भी, लास्ट ट्रिप हमारा इधर बनारस का था, विंध्याचल गए थे हम और ऐसे से गए थे, तो हम लोगों को ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जाना पसंद है, तो हम कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ भी अच्छे अच्छे मंदिर हों और सारी चीज़ें हों वहाँ हम जाएँ। तो नेक्स्ट ट्रिप भी बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही जल्दी। आपकी शादी को कितने साल हुए? तो मेरी शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं लेकिन आप कुछ कपड़े महंगे पहनते हैं और हमें वो अच्छा लगता है लेकिन हम ले नहीं सकते। तो मैं यार ये चीज़ मैं समझती हूँ, मैं पर्सनली मुझे ना बहुत पसंद है अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं जो कि मैं पहन के ना ज़्यादा वीडियो फोटो नहीं डालती हूँ, बिकॉज क्या होता है जब आप डालो तो लोग लिंक मांगते हैं, लेकिन जब डालती हूँ तो लोग कहते दीदी यार ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन ये महंगी है, तो मुझे भी वो चीज़ फील होती है क्योंकि होता है कई बार मुझे भी ऐसा रहता था पहले कि अरे यार कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो महंगी है तो मैं नहीं लेती थी। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसे कपड़े जो कि देखने में सुंदर भी हों और सस्ते भी हों तो मैं उनको प्रमोट करूँ, तो मैं उसकी पूरी कोशिश करती हूँ। और बाकी मैं आप लोगों के लिए बजट में अच्छा अच्छा कलेक्शन ढूंढ के लाऊंगी। आपका फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट क्या है? तो मेरा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट है सेरामाइड, द फेस शॉप का सेरामाइड राइस वाला मॉइस्चराइजर है, वो मेरा फेवरेट है, उसको मैं रोज यूज करती हूँ रोज। जी का क्वेश्चन है यूट्यूब पे चैनल पर ग्रोथ कैसे करें, वीडियो कैसे शूट करें? ग्रोथ देखो मैं बताऊँ, आप हर दिन मेहनत करो, एक ऐसा कंटेंट लेके आओ जिसके लिए आप खुद भी पैशनेट हो, जब आपको अपनी पसंद का काम आप करते हो तो वो ज़्यादा सफलता दिलाता है। तो ऐसा काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो आप यूट्यूब पर मेकअप के साथ ही एंटर करो, ये नहीं कि बाकी लोगों का मीशो हॉल चल रहा है तो हम भी मीशो हॉल कर देंगे, नहीं। तो अपनी एक स्टेबिलिटी बनाइए कि आपको क्या चीज़ पसंद है। इसके अलावा आपने पूछा है कैसे शूट करें, तो स्टार्टिंग में फ़ोन से शूट करो, मैंने लगभग 2 साल फ़ोन से शूट किया, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कैमरा ला के दिया था तो आज मैं कैमरे से शूट करती हूँ। तो आप फ़ोन से शूट करिए, लोग 10-10 साल फ़ोन से शूट करते हैं और उनके वीडियोज़ चलते भी हैं और वायरल भी होते हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यू कैसे बनाएं? देखो ज़्यादा व्यूज़ के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि बहुत ही बेकार होती हैं, मतलब देखो व्यूज़ अच्छी बात है आना, लेकिन व्यूज़ के लिए लिमिट क्रॉस करना वो चीज़ सही नहीं है। तो कम व्यूज़ आए ठीक है, लेकिन अपन बाकी से नहीं, घर में सब लोग हैं, सबके सामने बैठ के हम अपना वीडियो देख सकें। वीडियो हमेशा ऐसा बनाओ कि आपके घर के 10 लोगों के बीच में बैठ के आप अपना वीडियो देख सको, बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी। अब उस पर व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो अलग की चीज़ है। आप कॉमेडी वीडियोज़ बनाओ, आजकल लोगों को कॉमेडी देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा यार यूट्यूब चलाए तो थोड़ा हंसी वसी आए, यह नहीं कि मैंने यूट्यूब चलाया और हाँ इनकी लड़ाई इससे हो रही, नहीं। आप थोड़े कुछ अच्छे से ऐसा कुछ कंटेंट बनाओ कि लोगों का मूड लाइट हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो नहीं बना पाती यार, कॉमेडी मेरे से होती नहीं है।
दैट्स इट, इतने ही सवाल हैं, इतने ही सवाल आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं। लास्ट वाले क्यू एन ए ने तो बहुत ही सनसनी क्रिएट कर दी, मतलब उसका रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्यों वो क्यू एन ए थोड़ा सा लग गया दिल पे, पता नहीं क्यों। सो बस उम्मीद है कि ये वाला क्यू एन ए तो किसी को दिल पे नहीं लगेगा। प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए ही रहिएगा और धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारी फैमिली बढ़ रही है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है और नए वीडियोज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।